हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो और इवन आप भी अपने लिए बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक छोटा बाउल पोहा, जिसको हम लोग फ्लैटन राइस भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं, और ये देखिए बादाम लिया है, पीनट्स जिसे बोलते हैं। और पैन में मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ पीनट्स को, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी मैं, और आप देखिएगा ये मैं ऑयल बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी और इसे मैं हल्के आँच पे कर दूँगी जब तक मैं चिवड़ा वॉश करूँगी। ये देखिए मैंने ले लिया चिवड़ा इस पर बॉल, बड़े बॉल में। इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, देख सकते हो आप कितने गंदगी निकलते हैं। तो दो तीन वॉश में तो कर लेती हूँ, और उसके बाद इसको ज़्यादा देर पानी में छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, बस आप वॉश जितने देर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है तो ये अच्छा हो जाता है, ज़्यादा देर छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए ये मैंने वॉश कर लिया है, मैं इसे अलग कर दिया पानी से कि मेरा पीनट्स ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है। तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, ये देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ आपको, और मैं इसको अभी बाउल में निकालूँगी। ये बहुत इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा पीनट्स ज़रूरत नहीं होता। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया बाउल में। अब मैं एक पैन में ऑलिव ऑयल डालूंगी, मैं उसी पैन में इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्ट ही गया है। और फिर देखिए मैंने राई लिया है, ये मैं डालने वाली हूँ, बस मैंने ऑयल में डाला। और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ये ऑनियन हाफ, मैंने दो ग्रीन चिली लिया है बड़े बड़े पीसेस में काटा है, मैंने गरम मसाला 1/4, नमक और चाट मसाला 1 टेबल स्पून, मैं ऑनियन डाल रही हूँ ऑयल में। ये सब आप बिल्कुल लो फ्लेम पे करें, फ्लेवर अच्छे से आता है अगर आप लो फ्लेम पे करोगे। मैंने मिर्च बड़े बड़े कट इसलिए करे क्योंकि बच्चों के प्लेट में ना चला जाए, इसीलिए बस इसे हल्के सोटे करूँगी मैं 1 मिनट एनफ पे। जब हो जाए तो मैं ये मसाला ऐड करूँगी 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जल ना जाए, इसीलिए मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में मैं दिखाती हूँ कब करूँगी। ये देखिए मैंने पानी डाला, अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और फिर मैं अब इस पे चूड़ा और पीनट्स मेरा डालूंगी। ये देखिए मैंने जो डाला चूड़ा और अब पीनट्स डालूंगी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब जाकर के अब नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इस पैन में नमक था। क्या हुआ लेना, बाहर जाना है? अभी अभी बाहर जाना है लेना को, लेना को बाहर जाना था। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये मैंने चाट मसाला डाला, मुझे लगा थोड़ा चाट मसाला कम हो गया, अगर आप अपने हिसाब से डालें चाट मसाला, बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो डालें। ये देखिए मैं अब हल्दी डाल रही हूँ। अब हल्दी मैं ऊपर से इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं पहले हल्दी तेल में डालती हूँ तो मुझे लगता है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है, इसलिए मैं बाद में प्रेफर करती हूँ डालना। डाल के उसे मैं 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ, तो लो फ्लेम पे इसे मिक्स कर देती हूँ, ये रेडी हो जाता है। ये देखिए मैं अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी, धनिया पत्ता से फ्लेवर और बढ़िया आ जाता है। बहुत लोग करी लीव्स डालते हैं बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं पसंद इतना, इसीलिए मैं धनिया पत्ता डालती हूँ। ये देखिए आप करीब से कितना कितना मज़ेदार आ रहा है, उसमें से जो खुशबू आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रहा है, माशाल्लाह। चलिए, अरे और इस फ्लैटन राइस के बारे में मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ये बहुत ही हेल्दी होता है बेबीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा, आप ज़रूर से दें। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है, और बच्चों को एक बार आप देंगे तो आपको पता चलेगा, उन लोगों को इस टाइप का खाना खाना बहुत पसंद है, टॉडलर्स लोग के लिए तो स्पेशली ये सब बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलिए मैं ही खा के बताती हूँ, जोया तो अभी फ्री नहीं है, वो रेडी होगी। एक नंबर, चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा नींबू डाल लीजिए, लेकिन ऐसे भी वाकई बड़ा अच्छा टेस्टी बना है। अलेना हल्ला कर रही, तो अलेना को खिला के देती। अलेना केक को ट्राई कराने वाली, जोया उठ के आ जाओ खड़े होके, जोया स्टैंड अप। जोया अपना आग बंद कर लेती है जब भी उसको बोलते हैं। ओके चलिए, तो फिर मैं जोया को खिलाती हूँ, आप देखिए बताइए, देखिएगा एक्सप्रेशन इसका, इसका फर्स्ट स्पून है। हाँ स्पून से खाएगा। ओके ये
ये देखिए सोया को मेरे खुद से खाना था इसलिए मैंने इसे बाउल में निकाल के दिया है। अब आप देखिए इसे कैसा है। तो आप देख सकते हो सोया को तो ये टेस्ट अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कैसा बना है आप लोगों से। और मेरे चैनल को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।